नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। आज मैं जिस पेशे में हूं उसी पेशे की बात करूंगा। पत्रकारिता कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में जर्नलिज्म कहते हैं। एक पत्रकार होता है, एक चाटुकार होता है। आज दो तरह के पत्रकारिता हो रही है। तो मैं किस पत्रकारिता की बात करूंगा आप बाखूबी समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं अपने पेशे में रहकर खुद को गाली दे रहा हूं। क्योंकि हम समाज के नाम पे पत्रकारिता नहीं बल्कि धब्बा बन चुके हैं, बदनुमा धब्बा, जो पूरे सफ़ेद चादर पे एक छोटे से कालिक अगर लग जाए तो पूरे चादर को गंदा कर देती है। उसी तरीके से पत्रकारिता जगत आज पूरे समाज को उस दलदल में ढकेल दी है जिस दलदल से निकलना मुश्किल होता जा रहा है। मैं यह सब क्यों कह रहा हूँ, चलिए कुछ बातें करता हूँ आज पत्रकारों के ऊपर और पत्रकारिता के ऊपर। पत्रकारिता इतनी घिनौनी, इतनी घटिया और इतनी वाहियात हो गई है कि उसके बारे में कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल है। जिन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की थी उन्होंने भी नहीं सोचा था कि पत्रकारिता इतने निम्न स्तर की हो जाएगी कि एक दिन पत्रकारों को लोग चाटुकार बोलने लगेंगे और पत्रकार कहलाने में भी शर्म आने लगेगा। आज ऐसी पत्रकारिता हो रही है और देश के जाने माने न्यूज़ चैनल और जाने माने एंकर पत्रकार सरकार की चाटुकारिता करने में जोर शोर से लगे हुए हैं। उनको लग रहा है कि शायद यही हमारा और यही पत्रकारिता का विधान है, सरकारी गुलाम बनकर जिंदा रहना, सरकारी गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रहना ही पत्रकारिता समझ लिए हैं। कुछ ऐसे पत्रकारों के नाम रखेंगे, 2012 का निर्भया कांड का भी जिक्र करेंगे कि निर्भया कांड के समय बीजेपी कहाँ थी, और आज के कांग्रेस की भी बात करेंगे कि आज जब 9 साल के बच्ची के साथ बलात्कार होता है तो पूरी राजनीतिक पार्टियां उसके घर पे उसके परिवार के साथ मिलने पहुंच जाती है, बातचीत करने पहुंच जाती है, तो ये घमासान मच जाता है मीडिया चैनल में। लेकिन 2012 भी हमारे सामने है, तो खैर 2012 से पहले हम उस चैनल पे बात करते हैं। जी न्यूज आपने सुना होगा नाम, देश का तथा कथित राष्ट्रवादी चैनल कहा जाता है। जी न्यूज मत ही बोलिए, उसको छी न्यूज ही बोलना चाहिए और मुनासिब भी है, क्योंकि जी न्यूज इतनी घटिया और इतनी वाहियात खबरें हमारे और आपके सामने परोस रहा है जिससे देश की भाईचारा, अखंडता और कहीं ना कहीं संविधान की धज्जियां उड़ाता है। हर रोज नफरत का बाजार गर्म किया जाता है जी न्यूज पे, आपने देखा होगा। उत्तर प्रदेश में अभी एक खबर चलाई गई थी कि कुछ लोगों के घरों पर मजहबी कब्जा दिखाया जा रहा था, यानी कुछ हिंदू लोग वहां से पलायन कर रहे थे, जबकि वो एकदम झूठी खबर है। ऐसी बहुत खबरें हैं जो मैं आपको बताऊंगा तो शायद वो लिस्ट कम पड़ जाएगी या आप सुनते सुनते थक जाएंगे, लेकिन वो छी न्यूज का खबर ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि उनकी खबरें ऐसे ही होती है और उसको उन्होंने पत्रकारिता समझ रखा है। तो खैर चलिए आते हैं। अब जी न्यूज के एंकर हैं सुधीर चौधरी, नाम सुने होंगे आपने और नाम भी है उनका, बड़ा अच्छे बोलते हैं। डीएनए में आते हैं और डीएनए टेस्ट करते हैं, पता नहीं खुद का डीएनए पता है या नहीं पता है, वो उनको पता होगा कि उनका डीएनए कौन सा है, बीजेपी वाला डीएनए है, आरएसएस वाला डीएनए है, या हिंदुत्व वाला डीएनए है, या सच में वाकई में राष्ट्रवादी डीएनए है, ये उनको भी खुद पता नहीं है। लेकिन बड़ा शानदार बोलते हैं और अच्छा बोलते हैं, एकदम धीरा बोलते हैं, ऐसा लगता है कि सबसे मतलब पत्रकारिता जगत के सबसे धुरंधर पत्रकार हैं वो। उनका डीएनए में पहले कुछ हेडलाइन बताता हूं मैं, दलित की बेटी राहुल की राजनीतिक टूल। अब सोचिए जरा, ऐसे टैगलाइन हो, ऐसा हेडलाइन हो, इससे घिनौनी बात और क्या हो सकती है, इससे वाहियात बात और क्या हो सकती है कि आप एक दलित लड़की को या एक रेप पीड़िता को जिसके साथ रेप किया जाता है, मार दिया जाता है, उसको आप टूल बना देते हैं। क्योंकि टूल बनाने की आदत सी हो गई है, हर काम में टूल बना देना। आप विदेशी टूल अभी फिलहाल हुआ था, रेहाना का ट्वीट आया, उसको बताया गया कि किसानों के लिए वो टूल किट था। मीडिया में, जेएनयू में, जामिया में या एएमयू में कोई आंदोलन होता है उसमें भी एक टूल किट हो जाता है शामिल, एनआरसी भी एक टूल किट था। तो ये जी न्यूज का एक टूल किट बनाने की प्रक्रिया नई हो गई है कि हर बात में टूल किट बना देना, क्योंकि बाबू मुसाहिब का या कह सकते हैं प्रधान सेवक की गुलामी में कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए हर बात को टूल किट बना देना है। तो ये राहुल की, दलित की बेटी राहुल की राजनीतिक टूल हो गई। लेकिन 2012 में क्या हुआ था, निर्भया के साथ जब बलात्कार होते हैं उसके साथ जघन्य अपराध किए जाते हैं,
हर देश के कोने से एक एक आवाज़ उठती है कि निर्भया को इंसाफ मिलने चाहिए, दरिंदों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और वाकई में उनके साथ ऐसा हुआ भी। देश का हर एक इंसान उसके लिए आवाज़ बुलंद किया। सभी राजनीतिक पार्टियां उस समय एकदम मुखर होकर सामने आई थी। मुझे याद है, क्योंकि वो उसका मैं चश्मदीद गवाह भी हूँ उस आंदोलन का, कि 2013 में जब आंदोलन चल रहे थे इंडिया गेट का, मुझे वो प्रदर्शन याद है कि वहाँ पे लोगों ने लाठियाँ खाई पुलिस की, लोगों के हाथ पैर टूटे, सर पे चोट आई, उसके बावजूद भी डटे रहे। राजनीतिक पार्टियां भी डटी रही। उस समय शीला दीक्षित की सरकार थी दिल्ली में, कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तब कहाँ था, तब तो कोई टूल किट नज़र नहीं आया, क्योंकि उस समय एक इंसाफ की बात हो रही थी। किसी को न्याय दिलाना था और अपराधियों को सजा दिलाना था। तो उन्हीं बीजेपी के नेताओं की बात करेंगे हम, उसके बाद आते हैं राहुल गांधी पे। सुषमा स्वराज बीजेपी की कद्दावर नेता रही हैं। सुषमा स्वराज उस समय निर्भया की माँ से मिलती हैं और फोटो भी खिंचवाती हैं, जिस फोटो पे आजकल ये टूलकिट बना दिया गया है, जिस फोटो को लेकर मीडिया में चर्चा है, उसी फोटो की बात कर रहा हूँ मैं। निर्भया की माँ से मिलती हैं और फोटो खिंचवाती हैं, वो क्या था? वो भी तो किसी की आइडेंटिटी को आप सामने ला रही हैं, उसको क्या कहेगी मीडिया, उसको क्या कहेंगे जी न्यूज के, छी न्यूज के ये एंकर? वो टूल किट नहीं था। और भी इस लिस्ट में कई नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, आपको उन सब की बातें बताऊंगा कि किसने क्या कहा था। 2012 से लेकर 2013 तक बीजेपी जहां जहां थी सरकार में, वहां हर राज्यों में आंदोलन किए गए थे। बीजेपी एकदम प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाई थी, क्योंकि 2014 में चुनाव होने वाले थे और 2013 तक ये आंदोलन एकदम जोर शोर पे था, क्योंकि न्याय दिलाने की बात सबके जहन में थी। सब कोई चाहता था कि बलात्कार जैसी घटनाएं कम हो जाए, या बलात्कार जैसी घटनाएं ना घटित हो, हमारी लड़कियां, हमारी माँ बहनें सुरक्षित रहे, हर कोई आवाज़ उठा रहा था। स्मृति ईरानी, उनकी बात बताता हूँ मैं, वो मनमोहन सिंह के लिए चूड़ियाँ लेकर आई थी। अब सोचिए, एक प्रधानमंत्री के लिए चूड़ियाँ लेकर आई थी, और उनका कहना था कि प्रधानमंत्री से अगर देश नहीं संभल रहा है, अगर लड़कियां सुरक्षित नहीं रह रही हैं, तो वो चूड़ियां पहन ले। लेकिन आज के प्रधानमंत्री की अगर हम आलोचना भर कर दें, तो राष्ट्रद्रोही कहने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप पे यूपीए लगाने में सरकार कोई देरी नहीं करेगी, सलाखों के अंदर जाने में कोई देर नहीं लगेगा, आप सब देश के सबसे बड़े अपराधी घोषित कर दिए जाएंगे, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री मोदी को चूड़िया जो भेज दी, या उनकी आलोचना कर दी, ये क्या है? आइए निर्मला सीतारमण की बात करते हैं। वो भी कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करती थी उस समय 2012-13 में। उन्होंने भी कहा था कि हर राजनीतिक पार्टियों को, यानी हर राजनीतिक दल को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, हर राजनीतिक पार्टी को यह आगे आना चाहिए, क्योंकि एक बेटी के सम्मान की बात है, एक बेटी की रक्षा की बात है, और सबको उसके न्याय के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी। ये क्या था, इसको क्या कहेंगे आप? आइए और आते हैं मीनाक्षी लेखी, आजकल भी बड़े सुर्खियों में रह रही हैं, विदेश राज्य मंत्री हैं, उनकी भी बात करता हूँ। वो 2013 की बात है, जब दिल्ली हाई कोर्ट में वो थी, दिल्ली हाई कोर्ट में ये दलील दे रही थी कि निर्भया का जो सुनवाई का काम है, या निर्भया का जो सुनवाई का मामला है, वो मीडिया के सामने होनी चाहिए। मीडिया के सामने क्यों होनी चाहिए? ताकि सबको सच्चाई पता लग सके। उन्होंने कहा कि अगर मीडिया के सामने ये बात होती है, तो सब देखेंगे कि निर्भया वाले केस में क्या हो रहा है, उसको क्या कहेंगे आप? बीजेपी उस समय टूल किट नहीं बनाई। लेकिन ये सबकी एक दूसरी दोहरी नीति भी चली, हम आपको बता देते हैं यहीं पे। हाथरस में होता है ये कांड, एक दलित की लड़की के साथ, उन्नाव में होता है, कठुआ में होता है, ऐसे तमाम घटनाएं हैं जहां पे बीजेपी के लोग या बीजेपी समर्थित लोग उसके समर्थन में बोलते हैं। आप कठुआ का मामला याद होगा, रेपिस्टों के समर्थन में रैलियां की जाती है, उनके लिए विरोध प्रदर्शन किया जाता है। आपको हाथरस कांड याद होगा, वहां पे भी राहुल गांधी जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि राजनीतिक करने की कोशिश कर रहे हैं आप, बीजेपी के कोई नेता वहाँ पे नहीं बोलती, और ना ही कोई नेता वहाँ पे नज़र आते हैं, बहुत लेट लतीफ नज़र आते हैं जब देश में मामला गर्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी की ही सरकार है, योगी आदित्यनाथ वहाँ के मुखिया हैं, इसको क्या कहिएगा आप? खैर, अब आते हैं आज की मुद्दे पे। ये बीजेपी के लोग थे जो 2012 में रेप को लेके या बलात्कार को लेके इतने सजग थे, आज उस विपक्ष के हंगामे पे या उस विपक्षी नेताओं के मिलने पे इतनी जलन क्यों है?
इतनी अंदर से हलचल क्यों मच जाती है? समित पात्रा भी कहते हैं कि राजनीतिक ना करें आप। समित पात्रा का भी कहना है कि दलित की बेटी राहुल गांधी के लिए टूलकिट हो गई है, यानी उन्होंने एक इल्ज़ाम भी लगाया कि सिर्फ दिल्ली की ही दलित की बेटी देश की बेटी कैसे हो गई, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमाम तरह के तमाम राज्यों का जिक्र किया है। लेकिन उन राज्यों में सबसे ज़्यादा अगर बलात्कार के मामले आप देखेंगे तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी तो आपकी सरकार है ना, आप भी उनको देख सकते हैं। तो खैर, आते हैं आप जी न्यूज़ पे। चाटुकारिता के इतने चरम पे पहुंच गई जी न्यूज़ और इसके एंकर कि सरकार से यानी गृह मंत्री से सवाल पूछने के बजाय विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, यानी विपक्ष ही जिम्मेदार है इसका। यानी सरकार से सवाल पूछने की हिमाकत नहीं करेंगे बल्कि विपक्ष को घेरने की हिमाकत करेंगे, क्योंकि दाल रोटी शायद वहीं से चल रहा है। ये चीज़ें हैं। दूसरा पे आते हैं कि संसद की लड़ाई अब सड़क पे आ गई है। ये जी न्यूज के DNA का सब हेडलाइन है। मुझे दिनकर की एक बात याद आ गई कि कहते हैं कि जब सड़कें खामोश हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है, तो सड़कों पे आना जरूरी भी है। लेकिन जी न्यूज के एंकर सुधीर चौधरी को मिर्ची लग गई कि संसद की लड़ाई अब सड़कों पे कैसे आ गई, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी को बचाना है। राहुल गांधी सड़कों पे साइकिल रैली कैसे कर देते हैं, ट्रैक्टर मार्च कैसे कर देते हैं? एक जो दलित लड़की के साथ बलात्कार होते हैं उसके फैमिली वाले से, उनके परिवार वालों से मिल कैसे लेते हैं, उनकी एक फोटो शेयर कर देते हैं ट्विटर पे, तो बाल संरक्षण अधिनियम के तहत उनको नोटिस भेज दिया जाता है कि आप किसी का आइडेंटिटी सबके सामने सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। उससे बड़ी कह सकते हैं बेइज्जती, या उससे बड़ी जिसका आबरू तार तार हो जाए उसके पास बचा ही क्या है? उस दलित लड़की के साथ जो हुआ उससे बड़ी घिनौनी और हरकत क्या हो सकती है? आइडेंटिटी तो उसका उसी दिन मर गया जिस दिन उसके साथ बलात्कार किए गए थे। मुझे खुद शर्म आता है इन शब्दों को इस्तेमाल करते हुए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है हमारी भी। तो खैर, जी न्यूज के एंकर बोलते हैं कि अब संसद की लड़ाई सड़कों पे आ गई, तो सड़कों पे नहीं लड़ेंगे। जब विपक्ष से आप वहां पे सदन में बहस करने को तैयार नहीं है तो संसद से बाहर ही लड़ाई लड़ी जाएगी। फिर आते हैं आप उसके बाद, फिर उसमें उन्होंने कहा कि मसला यह है कि 9 साल की लड़की के साथ बलात्कार होता है तो उसका धर्म देख लिया जाता है, लेकिन जो आरोपी होते हैं उनका धर्म डिफाइन नहीं किया जाता है। वो उनका कहना है कि जो उसमें आरोपी है उसमें एक सलीम नाम का मुस्लिम भी है, तो यानी आरोपियों का भी एजेंडा, आरोपियों का भी धर्म तय होना चाहिए। ये बीजेपी के लोग ही करते हैं और जी न्यूज के एंकर करते हैं कि बीजेपी के जातिवाद का प्रोपेगेंडा फैलाना, जात धर्म का नशा बोना, जात धर्म का चरस बोना, ये सब जी न्यूज के एंकर करते हैं। ताल ठोक के बड़ी शानदार शो है, ताल ठोक के हर बार आप सुनते होंगे, ताल ठोक के ये है और ताल ठोक के ये मुद्दा है, ताल ठोक के ये मुद्दा है। तो ये जी न्यूज हैं जो सबसे देश के तथाकथित राष्ट्रवादी चैनल भी है। चंद्रशेखर आज़ाद का आना भी इनको हजम नहीं हुआ, क्योंकि ये दलित की राजनीति कर रहे हैं। ये जी न्यूज के सुधीर चौधरी बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। सुधीर चौधरी का कहना है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण दलितों की राजनीति कर रहे हैं, तो बीजेपी किसकी राजनीति कर रही है? सवाल ये भी तो हो सकता है ना, बीजेपी भी धर्म के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे, जय श्री राम के नाम पे, वो भी तो राजनीति है, स्वर्णों के नाम पे। तो ये कौन सा टूल किट आपको कहेंगे इसको, इसको क्या कहिएगा साहब, थोड़ा इस पर भी विचार कीजिएगा। खैर, बलात्कार के आंकड़े पे आते हैं। NCRB के आंकड़े हैं 2019 के और 20 के बीच के आते हैं, यानी अगर बलात्कार की बात करें तो 31% मामले बढ़े हैं, यानी 88 मामले हर दिन किसी बलात्कार के सामने आते हैं, हर दिन 88 मामले सामने आते हैं, जिसमें से 11% यानी 11% अगर पूरे आंकड़े की बात करें 11% महिलाएं दलित की होती हैं, उसमें बच्चियां ज़्यादातर बच्ची नाबालिग होती हैं। 18 से 30 वर्ष की उम्र की 50% महिलाएं शामिल होती हैं या लड़कियां शामिल होती हैं। तो आंकड़े तो बड़े हैं ना साहब बलात्कार के। आपने भले ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दे दिए, लेकिन बेटियां बचाना मुश्किल हो गया है, समझना तय करना मुश्किल है कि बेटियां बचाए किससे और पढ़ाए कहाँ। इनमें सबसे ज़्यादा राजस्थान है जहाँ पे 6,000, उसके बाद उत्तर प्रदेश है जहाँ पे 3,065 हैं, और बीते 10 सालों में, अभी 7 साल सरकार चली है, 3 साल आप कांग्रेस की सरकार को भी शामिल कर सकते हैं, बीते 10 सालों में 31% यानी 31% रेप के मामले बढ़े हैं देश में। तो ये है हमारे नए भारत की तस्वीरें, जहाँ पे हर रोज़ धर्म के नाम पे लड़ाया जाता है, जहाँ पे
एक अपराधी में भी धर्म खोज लिया जाता है, जहाँ पे एक पीड़िता में भी धर्म खोज लिया जाता है। ये नए भारत की नई तस्वीरें हैं जो हमारे सामने हैं। और हर रोज चैनलों पे आके ताल ठोक के हो या टक्कर हो या डीएनए हो या तमाम तरह के शो हैं जहाँ पे हर दिन नफरत बेची जाती है, हर दिन द्वेष बेचा जाता है, हर दिन भारतीय अखंडता या भारतीय सहिष्णुता को तार तार किया जाता है। हर रोज़ कहीं ना कहीं आप देखेंगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि पत्रकारिता नहीं बल्कि चाटुकारिता हो गई है। जिन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की होगी उनको भी शर्म आती होगी। गणशंकर विद्यार्थी जैसे लोग, प्रेमचंद जैसे लोग, या और भी लोग हैं, हरिश्चंद्र जैसे लोग या प्रेम घन जैसे लोग, बहुत तमाम तरह के लोग हैं जिन्होंने पत्रकारिता के लिए काम किया, उनको भी घिन आती होगी ऐसी पत्रकारिता देख के। तो खैर सोचिएगा समझिएगा जरूर कि कौन सी पत्रकारिता आपको पसंद है, कैसी पत्रकारिता चाहिए और किनको आप पसंद करते हैं। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि खबरें हम पहुंचाते रहें।